फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप गणपति डेकोरेशन सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल का बटन दबाना न भूलें। चलिए आज की क्रिएटिविटी शुरू करते हैं। आज हम एक दिया स्टैंड बनाएंगे। दिया स्टैंड बनाने के लिए हमें इस तरह का, देखिए ये शिल्पकार मैंने यूज किया हुआ है, एमसील फेविक्रिल का आता है शिल्पकार। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसे आप यूज करके बना सकते हैं। एक मैंने दिया स्टैंड लिया हुआ है, इसमें एक ये बास्केट मैंने शेप के लिए लिया। कोई भी साइज की बास्केट, कैसी भी बास्केट ले सकते हो, थोड़ी कटिंग वाली हो, इस तरह की शार्प हो जिससे हमारा डिजाइन उस पर आ जाए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एमसील को मिक्स करना है। ये मैंने 6 पैकेट एमसील एक साथ में मिक्स किया है। क्यों? क्योंकि हमें इसे इस बास्केट को पूरी तरह से कवर करना है, तो एक दो पैकेट में नहीं होगा, कम से कम 6 चाहिएगी। मैंने कम से कम 6 ली है। आप बास्केट के साइज पे लीजिएगा, आपकी टोकरी के साइज पे। अगर आप छोटी ले रहे हैं तो आप कम उसे घोलिएगा। इस तरह से हम इसका कोई भी टेलकम पाउडर लेकर खूब अच्छे से मसलनी पड़ेगी इसे। देखिए इस तरह से फटे नहीं कहीं से भी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। खूब अच्छे से इसे हम मसल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसका गोल बना लिया। अब अच्छे से टेलकम पाउडर ले लेते हैं। टेलकम पाउडर की हेल्प लेकर हम इसे पूरा बेल लेंगे। हम इसे टोकरी के साइज तक का पूरा बेलेंगे। देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये बिल गया है। इसमें अगर आपको लगता है आपकी एमसील कम है तो आप एमसील अच्छे से लीजिएगा। ये देखिए पूरा हमारा अच्छे से बिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये टोकरी लेंगे, इसके ऊपर भी मैं हल्का सा छिड़क देती हूँ ताकि बाद में निकालने में हमें आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, इसे पूरा इसके ऊपर इस तरीके से बिछा देंगे। अच्छे से हम इस तरह से बिछा देंगे और अब ये जो शेप है इसे हम दबाकर इसका डिजाइन, बीच में से हम ज्यादा नहीं दबाएंगे क्योंकि इस बास्केट पे ऑलरेडी बना हुआ है तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए इसके चारों तरफ से ये फटे नहीं, इसलिए दबाएंगे नहीं, इसे खूब अच्छे से दबा लेंगे ताकि इसका पूरा इम्प्रेशन आ जाए, ताकि जब ये सूखे तो हमारी बास्केट पे डिजाइन हो। इसी तरीके से हम पूरा नीचे से भी ले लेंगे। देखिए इस तरह हमने खूब अच्छे से इस पर इम्प्रेशन ले लिया है। अभी जो कॉर्नर है इसे कटर की हेल्प से हम अपने हिसाब से इसे अंदाजे से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह की पूरी शेप ले लेंगे हम थोड़ी सी, कोई इसमें पर्टिकुलर ये नहीं है, आड़ी तिरछी थोड़ी कम ज्यादा आएगी चलेगा। ये देखिए इस तरह से कटिंग करके हम कॉर्नर पर दबा देंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे 6 घंटे 7 घंटे। जितने टाइम में ये पूरा सूख के कड़क होके अपने आप बाहर नहीं निकले तब तक इसे हम छेड़ेंगे नहीं। अगर हमने पहले ही इसको छेड़ दिया तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी। पूरा सूखने के बाद में इसकी ये बास्केट की शेप आ जाएगी, हमें पूरी बास्केट की शेप मिल जाएगी। बस इम्प्रेशन आप अच्छे से लीजिएगा ताकि हमारा आ सके उस पर। सबसे पहले हम एमसील लेंगे, उसके हम लीफ बनाएंगे, अलग अलग साइज की लीफ बनाएंगे।
इस तरह से इसे पॉइंटेड कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको पॉइंटेड लीफ बनाएंगे। एक आपके पास कोई मोल्ड हो आप मोल्ड से बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से आप इसे हाथ से भी पॉइंटेड लीफ बना सकते हैं। स्मूथ कर देंगे हम टेलकम पाउडर से। ये देखिए इस तरह के हमें काफी सारी अलग अलग साइज की पॉइंटेड लीफ बनानी है। इस पर हम मार्किंग दे देंगे। इस तरीके से हम इस पर मार्किंग देंगे। इस तरह के हमें अलग अलग साइज की काफी सारी लीफ बना के सुखानी है। सुखाने के बाद में हम इस पर व्हाइट कलर का पेंट करेंगे और सिल्वर कलर का एक्रेलिक पेंट करेंगे सुखाने के बाद में। हम देखिए हमारा सूख के रेडी हो गया है। इसे अभी हम निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये अपने आप छोड़ देगा। ये देखिए पूरी बास्केट निकल के रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये बास्केट के एजेस बहुत शार्प हैं, इस तरह का सैंड पेपर आता है, इससे हम इसके एजेस को सब क्लीन कर देंगे इस तरह से घस के प्लेन कर देंगे ताकि वो हाथ में न लगे। देखिए ऑलमोस्ट सब हो गया है। जहां से ज्यादा शार्प लगते जा रहे हैं उसे एकदम प्लेन करना है ताकि हाथ में नहीं लगे, और थोड़ा अनइवन ही रहेगा ये। हमने इसको एकदम परफेक्ट नहीं बनाया वैसा। देखिए सब तरह से हो गया, ये कहीं से भी शार्प नहीं है। ये करने के बाद में अब हम इस पर कलर करेंगे। मैंने एक्रेलिक पेंट यूज किया हुआ है, इसमें बहुत सिंपल है। पेंट लेके हम डायरेक्ट पेंट करेंगे इस पर। पूरे को हम इस तरह से पेंट कर देंगे, आगे से पीछे से साइड्स पे अच्छी तरह से। देखिए हमारे बास्केट पे कलर कर दिया हमने, इस तरह से पूरा पेंट हो गई हमारी बास्केट, और हमारी सारी लीफ भी रेडी है। इस पर हमने सिल्वर पेंट कर दिया है व्हाइट एक्रेलिक पेंट करने के बाद में, और इसे मैंने अलग अलग साइज की बनाया है अलग अलग। बस सिर्फ ध्यान रखा ये पॉइंटेड हमारा कॉर्नर रहना चाहिए। चलिए इसे भी हम असेंबल करेंगे इसमें बास्केट में। सबसे पहले इस तरह का हम एक दिया स्टैंड लेंगे, उसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और चिपका देंगे। फिर हम एमसील लेंगे, एमसील को इसके चारों तरफ हम लगा देंगे। इस तरीके से थोड़ा हम ऊपर कर देंगे, थोड़ा हम नीचे ले लेंगे पूरा ऐसे। इसके नीचे आप फेविकोल लगा लें तो और अच्छे से चिपक जाएगा। फेविकोल लगा के हम पूरा ऐसे इस तरह से चिपका देंगे। अब इसमें हमें सारी लीफ अरेंज करनी है। सबसे पहले हमने काफी छोटी बड़ी बनाई है, सबसे पहले हम बड़ी बड़ी लीफ सारी अलग कर लेंगे इस तरीके से। सब बड़ी लीफ को हम ले लेंगे और उसे हम सबसे कॉर्नर में अरेंज करेंगे इस तरह से दबा दबा के।
थोड़ी छोटी लगी है। इस बड़ी लीफ लगाने के बाद में हम उसके आगे थोड़ी छोटी लीफ लगाएंगे इस तरह से। फिर उसके आगे हमें उससे भी छोटे साइज की लीफ लेनी है, उसे अरेंज करेंगे। इस तरह हम पूरा लोटस कवर कर देंगे। ये देखिए हमारा सब चिपक के रेडी हो गया और सूख भी गया है पूरा ये। अब इसके अंदर हम एक कैंडल स्टैंड है वो लगा देंगे अच्छे से फेविकोल से। इस तरीके से हम इसे चिपका देंगे। इसमें हमने एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए कुछ मोती लिए हैं, ये मोती हम चारों तरफ डाल देंगे इसके अंदर। ये आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इसे थोड़ा ऊपर डाल दो और बाकी हम सारे मोती अंदर डाल देंगे। आपको अगर कोई फ्लावर लगाना है और कोई लेस लगानी है वो आप पे है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, मैं इसे बिल्कुल नेचुरल छोड़ रही हूँ ताकि ये नेचुरल अच्छा लगे। इसमें आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। जैसे मैंने सिल्वर ब्लू लिया है, आप और कोई ले सकते हैं, वाइट पिंक ले सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। ये देखिए इसके अंदर हम पानी भी डाल सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। हमारा कैंडल स्टैंड रेडी हो गया है। आज का मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर कुछ नया लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।